आइए किताब रहमत सूरह अल कहफ उठाएं। अल्लाह ताला ने एक वाक़या बयान किया है हज़रत मूसा और हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम का, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अज़्म मुसम्मम करके जब चले तो अल्लाह फरमाता है कि हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जिस बंदे की निशानी बताई थी वो बंदा उनको वहाँ मिल गया। सफ़ेद चादर ओढ़े हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम वहाँ लेटे हुए थे, तो ये जाके उनके पास खड़े हो गए कि हज़रत मैं आपकी खिदमत में इसलिए आया हूँ कि अल्लाह ने आपको जो खुसूसी इल्म अता किए हैं मैं उनको सीखने की गरज से आपकी चौखट पे आया हूँ। कहा तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे, मामले मुश्किल हैं, सफ़र दुश्वार है, मंजिल कठिन है और मेरे मामलात ऐसे हैं कि तुम एतराज़ करोगे, उसके बगैर तुम रह नहीं सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे मैं सब्र करूँगा और आपके किसी हुक्म की किसी काम की मैं नाफरमानी नहीं करूँगा, किसी काम का इनकार नहीं करूँगा। कहा कि अच्छा शर्त यह है कि जो मैं करूं उस पर तुम एतराज़ नहीं करोगे, सवाल नहीं करोगे, यहां तक कि मैं खुद ही ना बताऊं। तो कहा कि यह शर्त ठहरी, मैं कोई बात नहीं करूंगा। फन तलाका, दोनों चल पड़े, दरिया के पार जाना था। जो कश्ती का मालिक था, कश्ती बांध था, वो हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम को जानता था, तो उसने किराया भी नहीं लिया। लेकिन जब कश्ती पर सवार हुए तो असा मार के हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती का एक फट्टा तोड़ दिया। तो बेसाख्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपने फट्टा तोड़ दिया, ये सारे डूब जाए। कहा मैंने कहा था ना तुम मेरे कामों पे सब्र नहीं कर पाओगे। तो हज़रत मूसा को याद आया, कहा मैं भूल गया था, इस पर मुआख़ज़ा न कीजिए। फिर दोनों चल पड़े, बच्चे खेल रहे थे, एक खूबसूरत लड़का वो भी बच्चों में खेल रहा था। हज़रत खज़र आगे बढ़े और उसकी गर्दन मरोड़ दी, उसको कत्ल कर दिया। साहिब शरीयत थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ना रह सके, फिर बोल पड़े एक जान को बगैर किसी जान के बदले में कत्ल कर दिया, इसने गवाया क्या था हमारा, आपने बहुत ही जो है वो गलत काम किया, ये काम अच्छा नहीं किया आपने। कहा मैंने कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। कहा एक मौका और दे दीजिए, अब अगर मैंने कोई इतराज़ उठाया तो फिर दोबारा मुझे आप अपनी सोहबत में ना रखिए, उज़र तमाम हो जाएगा। फिर दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि एक बस्ती में दोनों आए। तो आपने बस्ती वालों से कहा कि हम मेहमान हैं, आप हमारी मेहमान नवाजी कीजिए, खाना खिलाइए। तो उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि हम तो आपको बुलाया नहीं है, आप खुद आए हैं, आप अपने खाने का खुद इंतज़ाम कीजिए। गुजर रहे थे गली से तो एक दीवार गिरना चाह रही थी, तो जल्दी से उस दीवार को मरम्मत कर दिया। कहा हजरत हम अगर चाहते तो इस पर अजर ले सकते थे, इन्होंने हमें खाना तक नहीं दिया और हम इनकी दीवारें सीधी कर रहे हैं। कहा तुम्हारी मेरी जुदाई हो गई, तुमने ये भी इतराज़ कर दिया। तो इन्हें याद आया कि ओहो ये भी इतराज़ हो गया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये तीन काम मैंने क्यों किए। अल्लाह अकबर, अब सुनिए, कुरान हमें बताता है कि ज़ाहरी इल्म भी होता है लेकिन कोई बातनी इल्म भी होता है। कहा वो पहली बात कश्ती वाली सुनो, ये दो मिस्कीन बच्चों की कश्ती थी, उनके घर का चूल्हा इसकी कमाई से जलता था, दरिया किनारे किनारे एक जालिम बादशाह रहा था जो लोगों की कश्तियां छीन रहा था, हमने थोड़ा सा ऐब लगा दिया, वो टूटी कश्ती छोड़ के चला गया, अब वो थोड़े से पैसे लगा के कश्ती मरम्मत करा लेंगे, घर का चूल्हा जलता रहेगा, बताओ अच्छा किया या बुरा किया। कहा रही बात उस बच्चे की जिसको हमने कत्ल किया, उसके माँ बाप मोमिन थे, नेक थे, साले थे, बच्चे ने बड़ा होकर बहुत बुरा होना था, हमने इसको कत्ल कर दिया, अल्लाह इसके बदले इनको बेहतर औलाद देगा। उलमाए तफसीर ने लिखा है उस बच्चे के बदले में अल्लाह ने उन वालदेन को एक बेटी अता की जिसकी नस्ल से 70 नबी पैदा हुए। दीवार की कहानी भी सुन लीजिए, ये शहर के दो यतीम बच्चों की दीवार थी और इसके नीचे उनका खजाना था और उनका बाप बड़ा नेक था। खजाना दीवार के नीचे है, दीवार गिरना चाह रही है, किसी मामूली धक्के से गिर जाती, दो ही सूरतें थी, या वो बच्चे खुद अपना खजाना उठा लेते या लोग उठा के ले जाते, लोग उठा के ले जाते फिर भी हाथ में कुछ ना आया, और अगर वो खुद उठा लेते तो बच्चे हैं बचपने की वजह से वो उसको उड़ा देते। तो हमने उसके ऊपर दीवार खड़ी कर दी जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाते कि ये खजाना निकाल के उसको सही मसरफ पे लगा सकें, उतनी देर तक दीवार गिरेगी नहीं। अल्लाह अकबर, वो किसी वजह से दीवार कायम रहेगी और जब वो उस उम्र को पहुंच जाएंगे जिस उम्र में वो इस खजाने को संभाल सकेंगे तो फिर दीवार खुद ब खुद गिर जाएगी और ये खजाना निकाल करके अपने काम पे ले आएंगे। मैं जब पहली मर्तबा इसको जो है वो गौर के साथ तिलावत किया तो मुझे ये लगा कि कितने यतीम रोते बिलकते रह गए और उनके सर से जो है वो साए उठ गए इस वतन के लिए, लेकिन मेरे मालिक ने इस मुल्क के खजानों पर
गहरे पहाड़ और बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। जब तक ये कौम बलूगत तक नहीं पहुंचेगी उतनी देर तक वो खजाने जाहिर नहीं होंगे, और जब ये कौम अपनी बलूगत तक पहुंचेगी, शौरी बलूगत, फिक्री बलूगत, इल्मी बलूगत, तब उस बलूगत तक ये पहुंच जाएगी, उस वादे की तकमील होगी, फिर रब दीवार हटा देगा और पाकिस्तान को अल्लाह इतने खजाने देगा और पाकिस्तान ऐसा माला माल होगा दुनिया देखने आएगी इंशाअल्लाह। इसलिए रब ने दीवारें बना के रखी। तुम्हारा बाप मोइनुद्दीन चश्ती बड़ा नेक था, तुम्हारा बाप दाता गंज बख्श अली हजवेरी बड़ा नेक था, तुम्हारा बाप हजरत मुजद्दद अल्फे सानी बड़ा नेक था। उनकी वजह से मैं दीवारें खड़ी कर रहा हूं और मजबूत हिसार लगा रहा हूं तुम्हारे खजानों पर, और वो वक्त आएगा जब तुम बलूगत की उम्र को पहुंचोगे, दीवारें हट जाएगी और तुम्हारा वतन जमाने पे महकते फूल की तरह और चमकते सितारों की तरह और रोशन आफताब की तरह चमकता और महकता दिखाई देगा, और जमाना पाकिस्तान देखने आएगा, पाकिस्तान दुनिया की क्यादत करेगा इंशाअल्लाह। तो कहा ये तावील है उन बातों की जो बातें मेरे रब ने मुझे बताई, और ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं कही, और जो मैंने किया अपनी मर्जी से नहीं किया। तो ये बातनी बातें हैं, शायद ये बातनी बातों के जोश में ये बात भी मैं कर गया। वो क्या, किसी ने कहा था कि भरी महफिल में एक राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ।